शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी इंडिया न्यूज। अलीगढ़ की मीट फैक्ट्री में आज यानी गुरुवार को अमोनिया गैस के रिसाव की खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में इस गैस के लीक होने से 100 से अधिक कर्मचारी बेहोश हो गए हैं। इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही शामिल थे। इन्हें जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती भी कराया गया है। घटना रोरावर थाना इलाके के अलदुआ मीट फैक्ट्री की है। घटना की सूचना पर प्रशासन मौके पर पहुंच गया और राहत कार्य में जुटा है। बताया जा रहा है कि काफी देर तक फैक्ट्री मालिक ने घटना को छिपाने का प्रयास भी किया। टाऊ के सम्मान के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मैरिटियल रेप पर बड़ा फैसला सुनाया है। महिलाओं को उनकी मर्जी के खिलाफ छूना अपराध की श्रेणी में ही आएगा, चाहे वह है पति ही। शीर्ष अदालत ने कहा है कि वैवाहिक रेप मैरिटल रेप को भी रेप की श्रेणी में आना चाहिए। जस्टिस डीवीआई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ ने गर्भपात पर फैसला सुनाते हुए ये बात रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी संशोधन अधिनियम 2021 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए यह बातें कही। केंद्र सरकार ने एक दिन पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। अब इसके बाद ये संगठन सोशल मीडिया के माध्यम से भी कुछ नहीं कर सकता। सरकार ने पीएफआई और इससे जुड़े सभी संगठनों के सोशल हैंडल्स तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ट्विटर अकाउंट के अलावा टॉप लीडरशिप जिसमें अनीश अहमद जनरल सेक्रेटरी और नेशनल चेयरमैन ओमा सलाम के भी अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है। ट्विटर का कहना है कि भारत की लीगल डिमांड के चलते इन अकाउंट्स को फिलहाल के लिए रोका गया है। लालू यादव एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बन गए हैं। वह पार्टी की स्थापना के बाद 12वीं बार पार्टी के अध्यक्ष बन रहे हैं। लालू यादव आरजेडी की स्थापना किए बाद से पार्टी के इकलौते अध्यक्ष हैं। लेकिन अब जब लालू यादव पार्टी के अध्यक्ष बने हैं तो सवाल उठ रहा है कि लालू यादव ही अध्यक्ष क्यों, वह भी तब जब वह लगातार बीमार है, किडनी समेत कई बीमारियों से ग्रसित है। साथ ही वह चारा घोटाले के 5 मामले में कोर्ट कचहरी से उनका गहरा याराना है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 8 घंटे में 2 सिलसिलेवार धमाके हुए। पहला धमाका करीब रात 10:30 बजे हुआ था तो दूसरा धमाका सुबह करीब 6 बजे बस स्टैंड में हुआ। इन सिलसिलेवार धमाकों में बस के परखच उड़ गए और कई लोग घायल हो गए। वहीं आज सुबह उधमपुर के बस स्टैंड में दूसरा धमाका हुआ है। सुबह हुए धमाके में किसी भी व्यक्ति के हाथाहाथ होने की जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस ने दोनों धमाकों की टेरर एंगल से जांच कर रही है। सीसीटीवी में विस्फोट की वारदात कैद। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब सिर्फ 1 साल बचा है। राजनीतिक दल जीत के लिए अपने अपने दांव चलने लगे। 2023 के इस चुनाव में हालांकि मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन आदिवासी युवाओं में एक संगठन ने 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा करके दोनों ही दलों की नींद उड़ा रखी है। मध्य प्रदेश में जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जैस ने 2023 के विधानसभा में अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। पिछले दिनों भोपाल में जैस के सम्मेलन में संगठन के पदाधिकारियों ने यह फैसला लिया था। तो आगे देखते रहिए हमारे साथ देश दुनिया की तमाम खबरों को। नमस्कार।